नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ने चौक से किया पीवीसी का शुभारंभ। नड्डा का कहना, केंद्र सरकार देश के नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है गंभीर। आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी मिला कर्ण सिंह को बराबर सम्मान। प्रदेश में पेट्रोल पंपों की जांच का कार्य हुआ शुरू। सरकार ने हर जिले में एक विशेष टीम का किया गठन। पेट्रोल पंपों में चिप के निरीक्षण का फरमान किया जारी। और पंडों में आओ उखाड़े भांग, सुरक्षित हो हमारी संतान नारे के साथ ग्रामीणों ने चलाया भांग उखाड़ो अभियान। लोगों से नशे के प्रति जागरूक होने का किया आह्वान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर एक बच्चे को स्वस्थ जीवन देने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी जिला के नेरचौक के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में निमोनिया के टीके का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। यहां से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रथम चरण में देश के 3 राज्यों हिमाचल, यूपी और बिहार के 35 जिलों में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीके का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र की सरकार लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है, जिसके चलते सरकार ने देश में कई रोगों की वैक्सीन टीकों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि देश में नवजात बच्चों और गर्भवती माताओं की मृत्यु दर में कमी आई है और देश में लॉन्च की गई निमोनिया की वैक्सीन से बच्चों के स्वास्थ्य में दूरगामी परिणाम सामने आने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी बच्चा जो वैक्सीनेशन के कारण किसी की जीवन लीला समाप्त हो, यह उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक व्यापक तौर पर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाया है। आज यहाँ से इसको वैक्सीनेशन को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लॉन्च होगा। यह एक बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा और ये एक ऐतिहासिक दिन है। मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ और स्वास्थ्य जगत के सभी कर्मचारियों को और हमारे जो अधिकारी हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, विशेष करके जो इस काम में जुटेंगे, उनको मैं बधाई भी देता हूं। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब देश में 19 वर्ष के युवाओं की विभिन्न तरह की बीमारियों की स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है, जिसमें शुगर, हाइपरटेंशन आदि शामिल है। इन बीमारियों की स्क्रीनिंग करके आगामी लक्षणों को देखते हुए इनका उपचार शुरुआती समय में ही किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि युवाओं में बीमारियों की स्क्रीनिंग का कार्य देश के 100 जिलों में शुरू कर दिया गया है और आगामी समय में इसे पूरे देश भर में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश को रोग मुक्त बनाया जाए, उसी के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, हम रोग से निरोग की ओर जा रहे हैं। पहले जो हमारी ट्रीटमेंट थी वो डिजीज सेंट्रिक थी, अब हमारी ट्रीटमेंट जो है वह कॉम्प्रिहेंसिव है, यूनिवर्सल है और हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर। ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज हर बीमारी की शुरुआत है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति की बीमारी कितनी दूर तक जा सकती है, तो उसकी अर्ली स्क्रीनिंग हम करेंगे। 100 जिलों में इसको लागू कर दिया गया है और इस साल 100 जिलों में उसको हम करेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा, भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, ANM आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास न तो जनता के लिए समय है, न कोई वादा और न ही कोई मानसिकता। कांग्रेस आज के दौर में अपने आपसी झगड़ों और धन अर्जन में लगी हुई है, जिसे प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगरोटू के मेला मैदान में आयोजित भाजपा की माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ के तहत आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार केंद्र की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अक्षम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं और अपने अंतिम समय में धन अर्जन में लगे हुए हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास आज के समय में जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए ना तो समय है और ना मानसिकता है और ना ही कोई कमिटमेंट है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। नड्डा ने यहाँ पर माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ रैली में आए लोगों से आह्वान किया कि वे ऐसी भ्रष्ट सरकार को आने वाले समय में अलविदा कहें और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए ताकि हिमाचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सके। जो आज हिमाचल में चल रहा है, जो विकास केंद्र सरकार की विकास की योजनाएं हैं, उसको धरती पर उतारने में प्रदेश सरकार अक्षम साबित हो रही है। मैंने उनसे निवेदन भी किया है और मैं जो भी वो बोलते हैं कि कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को भी मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि समय कम है, सदुपयोग करना चाहिए और ये जो योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क की योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना है, चाहे वो परियोजनाएं की योजना है, सभी योजनाओं पर तीव्र गति से काम हो। आज मैं ये महसूस करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो चुकी है कि उसके पास विकास के लिए न समय है, न मानसिकता है, न ही कमिटमेंट है और वह अपने व्यक्तिगत झगड़ों से लेकर के व्यक्तिगत आर्थिक अर्जन इस कार्य में वो जुटे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में वह ऐसी भ्रष्ट सरकार को और जो निकम्मी सरकार है उसको तिलांजलि दें और नई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार स्थापित करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आयुर्वेद मंत्री करण सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कुल्लू में किया गया। उनके पुत्र आदित्य विक्रम सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में कई मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। सभी ने शोक में डूबे परिवार को ठांठस बधाया। इससे पहले करण सिंह का पार्थिव शरीर सेवा हेलीकॉप्टर के लिए दिल्ली से भुंतर लाया गया। शव को उनके पैतृक निवास तक ले जाया गया, जहां भारी तादाद में लोग पहले से ही जमा थे। उनकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कुल्लू राज परिवार से संबंध रखने वाले करण ने अपने राजनीतिक कैरियर में लंबा संघर्ष किया। उन्होंने शुरुआत बीजेपी के साथ 1990 में की। 1990 से लेकर 1993 तक यह बीजेपी के विधायक रहे। 1993 में करण सिंह को कांग्रेस के सत्य प्रकाश ठाकुर ने हराया। 1998 में सत्य प्रकाश ठाकुर को हराकर उन्होंने पिछला हिसाब चुकता कर दिया। धूमल सरकार में वह प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री बने। बीजेपी की गुटबाजी के चलते 2003 में करण सिंह को बंजार छोड़कर कुल्लू से चुनाव लड़ना पड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा। 2012 के विधानसभा चुनाव में करण सिंह बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे। खिमीराम शर्मा को 9,200 वोटों से हराकर रिकॉर्ड कायम किया। वर्तमान कांग्रेस सरकार में 11वें मंत्री के तौर पर आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री का दायित्व संभालने वाले करण सिंह के आकस्मिक निधन से पक्ष विपक्ष सभी आम आदमी सहमे हैं। यह सिंह के काम करने का तरीका ही था कि उनको कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी अंतिम समय तक बराबर सम्मान दिया। इसी कारण उन्हें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा हिविंका गठबंधन सरकार में मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। सिंह कांग्रेस सरकार में मंत्री होने के बाद भी विपक्षी भाजपा के निशाने पर नहीं रहे। इसी कारण भाजपा की तरफ से हाल ही में राज्यपाल को सौंपी गई चार्जशीट में उनका उल्लेख तक नहीं था। कांग्रेस भी बंजार विधानसभा सीट को सिंह की बदौलत ही 15 साल के लंबे अंतराल के बाद जीत पाई थी। यह सीट उन्होंने रिकॉर्ड 9,835 वोटों के अंतर से जीती थी। अब सिंह के आकस्मिक निधन से बंजार विधानसभा सीट खाली हो गई है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव की अवधि कम रहने से अब उपचुनाव की संभावना कम है। विधानसभा उपचुनाव न होना कांग्रेस भाजपा दोनों के हित में है, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर कोई भी पार्टी सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। विशेषकर सत्तारूढ़ कांग्रेस इस उपचुनाव को नहीं चाहेगी, क्योंकि वे पहले ही दो उपचुनाव हार चुकी है।
निर्वाचन विभाग की तरफ से बंजार विधानसभा सीट खाली होने की सूचना केंद्रीय चुनाव आयोग को दी जाएगी। इसके बाद यदि केंद्रीय चुनाव आयोग इससे संबंधित कोई जानकारी राज्य के निर्वाचन विभाग से मांगेगा तो उस पर टिप्पणी की जाएगी, अन्यथा अपनी तरफ से राज्य निर्वाचन विभाग चुनाव को करवाने की कोई सिफारिश नहीं करेगा। सिंह 32 साल की उम्र में बंजार क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे। उन्हें भाजपा की टिकट पर इसलिए प्रत्याशी बनाया गया था कि उनके बड़े भाई महेश्वर सिंह, जो कि बंजार के विधायक थे और उन्हें जनता पार्टी द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था। उन्होंने पुणे ग्वालियर से राजनीति शास्त्र में स्नातक की शिक्षा पूरी की थी और निजी कंपनी में नौकरी भी की। कर्ण बंजार क्षेत्र को ही अपनी रणभूमि मानते थे, इसलिए उन्होंने बंजार क्षेत्र के विकास में अपनी अभूतपूर्व भागीदारी सुनिश्चित की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहटा बाजार, टाउन मंडी, प्ले वे विद क्रैच। एडमिशन ऑल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। शिवसेना हिंदुस्तान संगठन को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया है और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की संभावित विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। यह बात संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने सोलन में कही। शिमला जा रहे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता व महामंत्री कृष्ण शर्मा का सोलन पहुंचने पर प्रदेश यूथ विंग के अध्यक्ष आशीष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान संगठन जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में पदाधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन कर रणनीति तय करेगी। सोलन के रूड़ा में बन रहे श्री रामलोक मंदिर सहित बाबा व ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि किन्हीं गलतफहमियों की वजह से मंदिर संचालक बाबा अमरदेव व ग्रामीणों में विवाद हुआ था तो इसे आपसी बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार व अध्यात्म से जुड़े व्यक्तियों को मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की हिंसक घटनाएं न हो सके। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिवसेना हिंदुस्तान हिमाचल प्रदेश के कार्यकारिणी की एक बैठक जून के पहले हफ्ते में आयोजित की जा रही है, जिसमें शिवसेना हिंदुस्तान हिमाचल प्रदेश में अपने मुद्दों को विचारेगी और हिमाचल प्रदेश में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा वो जून की बैठक के बाद घोषणा की जाएगी और बड़े स्तर पर शिवसेना हिंदुस्तान हिमाचल प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और आने वाले चुनाव में सोलन से भी विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जिन मुद्दों पर हम हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे उन मुद्दों पर जो लोग सहमत होंगे और जो भी हमारी पार्टी से आके चुनाव लड़ना चाहेंगे उनका हमारी पार्टी खुले मन से स्वागत करेगी। अभी हमें कुछ जानकारियां मिली हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिमाचल की जनता के साथ कोई अन्याय ना हो और बाबा जी और हिमाचल की जनता में जो मतभेद उत्पन्न हुए हैं अगर हमारे प्रयासों से वो मतभेद खत्म होंगे तो हमें इस बात की बहुत हार्दिक खुशी होगी। गुप्ता ने देश भर में मंदिरों का संचालन मंदिर कमेटियों को दिए जाने की वकालत भी कही। उन्होंने कहा कि देश में अधिकतर मंदिर सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन करोड़ों रुपए की आमदनी होने के बावजूद इस राशि को आम लोगों की बेहतरी के लिए खर्च नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी सनातन पहचान को जीवित करना होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के प्रबंधन का जिम्मा हिंदुओं को देने के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी देश के प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के प्रबंधन का जिम्मा हिंदुओं को देने के लिए संघर्ष करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंपों में चिप लगाकर उपभोक्ताओं की जेब में चूना लगाने वाले नेटवर्क हमीरपुर सहित पूरे प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। इसी अंदेशे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों के निरीक्षण के फरमान जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर में गठित टीम द्वारा पेट्रोल पंपों की जांच की गई।
हर जिले में इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने पेट्रोल पंपों की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर जिले में भी विशेष दल ने पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने पेट्रोल पंपों की मशीनों को खोलकर जांचा ताकि मशीनों में चिप ना लगी हो। निरीक्षण के दौरान दोनों पेट्रोल पंपों की मशीनों में कोई चिप नहीं मिल पाई। विशेष दल सभी पंपों का औचक निरीक्षण करेगा। टीम में पुलिस विभाग, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, वाधिक माप विज्ञान, माप और तोल विभाग और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सेल अधिकारी रिटेल शामिल है। अधिकारी ने बताया कि यह निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा और औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारी एक टीम गठित हुई है कि पंपों की इंस्पेक्शन करनी है, तो हमारे साथ DFSC मैडम है और कंपनी के हैं, IUC कंपनी के, GPC कंपनी के रिलेटेड जो कंपनी का ऑथराइज पर्सन है, और इसके साथ ही पुलिस की डिपार्टमेंट हमारे साथ है। तो हमने यहाँ पर सारी मशीनों की चेकिंग की, तो यहाँ पर सारा ठीक पाया गया। तो जो भी थी डिलीवरी हमने चेक की, सब ठीक पाया गया। तो दो पंपों की एक आज कश्मीरी फिल्टरेशन की और दूसरी यहाँ पर मिल्की राम एंड संग की। तो यहाँ पर जो डिलीवरियाँ जो थी वो टीम ने सारी चेक की और ठीक पाई और कोई भी इस प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं पाई। गौर हो कि उत्तर प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों की मशीनों में चिप पाई गई थी, जिससे कम पेट्रोल व डीजल दिया जाता था। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहां पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नीर चौक। सत्रह मई को ITI मंडी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 से 23 वर्ष के 10वीं पास युवा भाग ले सकते हैं। ये जानकारी ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी। 17 मई को ITI मंडी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस कैंपस इंटरव्यू में 18 से 23 वर्ष के ऐसे युवा भाग ले सकते हैं जिन्होंने साइंस, मैथ, इंग्लिश विषयों के साथ 10वीं पास की हो। ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि मंडी और हिमाचल के युवाओं के लिए यह एक सुनहरी मौका है। इस कैंपस इंटरव्यू के द्वारा 10वीं पास युवाओं को ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 वर्ष का निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिसके बल पर वे कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा युवाओं को 2 वर्ष का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को मासिक स्ट्राइफंड भी दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान 8,400 रुपीज जो है पर मंथ प्रति मास इनको स्टाइपेंड के रूप में मारुति सुजुकी द्वारा दिए जाएंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग व उसके साथ जो है स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके लिए जो युवा इसमें जो है इंटरेस्टेड हो, जिन्होंने हाई स्कूल या प्लस टू की हो, खासकर हाई स्कूल जिन्होंने पास किया हो और उनके विषय या तीन होने जरूरी हैं, इंग्लिश, मैथ व साइंस, इन तीनों विषयों के साथ जिन्होंने हिमाचल में कहीं से भी जो है हाई स्कूल पास किया हो, मैट्रिक की हो, ऐसे युवा यहाँ 17 मई को ITI मंडी के कैंप्स में सुबह 9 बजे आ सकते हैं।
इसमें 18 से 23 साल 23 इयर्स मिनिमम 18 साल व मैक्सिमम 23 इयर्स एज होनी चाहिए, वही लोग इस इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे। और ऐसे लोग पात्र नहीं होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीए बीएससी कुछ भी की हो और या बीटेक वगैरह की हो, ऐसे लोग जो हैं और अन्य कोर्स जैसे डिप्लोमा किया हो 3 साल का, वो लोग भी विशेष रूप से सुन लें, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पंडोह के साथ लगते गांव टिल्ली व जुगास में 31 मई तक चल रहे भांग उखाड़ो अभियान के तहत क्षेत्र में उगी भांग को उखाड़ कर नष्ट किया गया। लोगों का कहना है कि उनका लक्ष्य अपने गांव से भांग को खत्म करना है ताकि युवा नशे से बच सके। जब तक धरती पर भांग का पौधा रहेगा तब तक युवा नशे से जूझता रहेगा, आओ उखाड़े भांग, सुरक्षित हो हमारी संतान। इसी नारे के साथ पंडोह के साथ लगते टिल्ली व सरोवा जुगास में सर्वोदय युवक मंडल व शक्ति महिला मंडल द्वारा भांग उखाड़ी गई। इस मौके पर सर्वोदय युवक मंडल के प्रधान श्यामलाल ने बताया कि अन्य लोगों से भी नशे की प्रति जागरूक होने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य पूरे गांव से भांग को खत्म करना है जिससे युवा नशे के चुंगुल से बच सके। आज डीसी के आदेश अनुसार भांग खड़ो अभियान गांव टिल्ली में चलाया गया, जिसमें सर्वोदय युवक मंडल और शक्ति महिला मंडल ढोली और स्थानीय ग्राम पंचायत पंडोह प्रधान और सभी पंचगण और स्थानीय गांव के लोगों द्वारा भांग उखाड़ी गई। इसलिए नशे के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन के कुमारहट्टी में स्थानीय लोगों व पर्यटकों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत चेवा द्वारा निर्माणाधीन वीरभद्र सिंह बहुउद्देशीय भवन में 5 दुकानों की खुली बोली करवाई गई। कुमारहट्टी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस बोली में हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। दुकानों की बोली बीडीओ सोलन एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवाई गई। बोली में बोलीदाताओं ने सिर्फ 3 दुकानों के लिए ही बोली दी, जिसमें ग्राम पंचायत चेवा को 28,000 रूपए महीना की आय शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने इस भवन के निर्माण करवाने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस भवन के निर्माण में करीब 5 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि रोड साइड अम्यूनिटी स्कीम के तहत इस भवन में 70 लाख रूपए की राशि खर्च की गयी है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण में आम जनता पंचायत व सरकार पूर्ण सहयोग रहेगा। हमारी जो 5 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इस कॉम्प्लेक्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो इनकम जनरेशन होनी थी, उसकी बोली के समय में आज 5 में से 3 दुकानें जो किराए पे ओपन बोली से किराए पे चढ़ गई है। कुमारहट्टी इसके आसपास के लोगों ने अपने जो पैसे है जमा करवा के विकास में जनसहयोग में 2,12,00,000 रुपए का इनिशियली हमें जो है इसमें बजट मिला। उसके अलावा इसमें एनहांसमेंट हुई, कई और चीजें इसमें जुड़ी। इसमें सबसे बड़ी बात और है कि मैं धन्यवाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का, उनके सभी अधिकारियों का, कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से और NH5 के बिल्कुल साथ लगता है, जो नेशनल हाईवे को यूज करते हैं लोग, उन लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए टॉयलेट, पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, रेस्ट रूम 13 कमरे जो है वहां पे उसने उस योजना में उन्होंने हमारे को दिए, जिसको रोड साइड एमिनिटीज कहते हैं। उसके तहत हमारे को जो है वो 70 लाख रुपया मिला है और वो भी हमने इस प्रोजेक्ट में ऐड किया है। इस भवन में स्विमिंग पूल, जिम, शूटिंग रेंज, विवाह शादियों के लिए हॉल व 150 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम है। इस भवन में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बहुत लाभ मिलेगा। इस भवन से होने वाली आय को ग्राम पंचायत के होने वाले विकास कार्यों में लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।